औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है तो आप मेरिट अपना किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि उनकी क्या क्या वेटेज होती है मैट्रिक में या एफएससी में, आपको सिंपल सा काम करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है मेरिट कैलकुलेटर फॉर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी फॉर BS। ये आपने सारी टर्म गूगल के ऊपर लिखनी है। उसके बाद जो पहली वेबसाइट आ जाएगी कायदे आज़म की, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाना है और उसको क्लिक करना है। तो ये आपके सामने उनका जो कैलकुलेटर है वो खुल के आ गया है। तो सबसे ऊपर आपने मैट्रिक के जो आपने हासिल किए हैं मार्क्स वो लिखने हैं, मिसाल के तौर पे 900 हैं। उसके नीचे जो मैट्रिक के टोटल मार्क्स हैं 1100 वो डालने हैं। और उसके बाद जो एफएससी के आपने ऑब्टेन किए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 800 और जो उसके टोटल हैं 11, ये सारे मार्क्स डाल के आपने कैलकुलेट पे जाना है। तो ये आपको रिज़ल्ट बता देगा, जो आपका एग्रीगेट है वो बता देगा, यानी कि 75.45 बना है अगर आपके मैट्रिक के 900 और एफएससी के 800 हैं तो।